हाँ जी राइट सर। आज 6 दिसंबर का दिन है जिस दिन बाबरी मस्जिद की शहादत हुई थी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को वहीं अस्सर नौ तामीर करके दिया जाए, इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह कहा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना ये जुर्म था। जब जुर्म था तो मुजरिमीन को पकड़कर उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, और हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक ही ये हुकूमत से मंजूर करवाना चाहते हैं या मुतालबा करते हैं कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला दिया कि मस्जिद बहरहाल मस्जिद थी और उसको तोड़ना गुनाह था, तोड़ना जुर्म था, शहीद करना जुर्म था, इसलिए हम ये कहते हैं कि हमारी बाबरी मस्जिद को उसी जगह दोबारा तामीर करके दिया जाए। और जो हिंदुस्तान के अंदर जिस तंजीम की तरफ से भी ये रिपटिशन दाखिल किया जा रहा है, हम उसकी तायद में हैं और मुसलमानान हिंद जो है उसकी तायद करते हैं, और हम ये ऐलान करते हैं कि बाबरी मस्जिद को जो है हमारे हवाले किया जाए। बाबरी मस्जिद जो है मस्जिद है शरीयत के रूह से भी, जो है चूँकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि मस्जिद की मस्जिदियत कभी ख़त्म नहीं होती, हमेशा के लिए वो मस्जिद रह जाती है। उसकी इमारत का नाम मस्जिद नहीं है बल्कि उस जगह का नाम मस्जिद है, तहतुसरा से लेकर अर्श आज़म तक मस्जिद है, इसलिए वो मस्जिद है, हमारे हवाले कर दिया जाए। आज यहाँ 6 दिसंबर को उलमा अहले सुन्नत नांदेड़ की जानिब से जो हमारा डेलीगेशन कलेक्टर ऑफिस आया, और यहाँ हमने हमारे मेमोरेंडम में मुतालबा किया है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है कि बाबरी मस्जिद को गिराना जो है ये गलत था, एक जुर्म था, तो हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को ही कंटिन्यू करते मुतालबा कर रहे हैं कि जिन जिन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया है वो आज तक आज़ाद घूम रहे हैं, चाहे वो एलके अडवाणी हो, अशोक सिंगल हो, जितने भी लोग हैं जिनके भी नाम उस चार्जशीट पर दाखिल है, तो हमारी यही दरख्वास्त है हुकूमत से कि उन पर कठोर कार्रवाई करे और उनको जो है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उनको दोषी ठहराया है लेकिन सज़ा का भी उल्लेख नहीं हुआ है, तो हमारी यही गुजारिश है कि उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, सज़ा दी जाए, ताकि आइंदा कोई दूसरा शख्स जो है किसी मस्जिद को गिराने की इस तरह की हिम्मत ना करे, यही हमारा मुतालबा है। दूसरी बात ये कि इस जजमेंट पे जो रिव्यू पिटीशन दाखिल किया जा रहा है, हम तमाम लोग जो है उसकी तायद में है और हम उसके हक़ में जो है अपनी तायद का इज़हार करते हैं। वहीं बनना चाहिए ऐसे आपको, इस्लाम के रोशनी किताब से अल्लाह के नबी का फरमान वही है कि एक जगह एक बार जो जगह मस्जिद बन जाती है वो कभी ख़त्म नहीं होती है, तो हमारी यही हुकूमत से मुतालबा है कि बाबरी मस्जिद का सही इंसाफ दिलाया जाए और जो उसके मुस्तहिक हैं उनको उसके हवाले किए, बाबरी मस्जिद को वहीं बनाए। आता आपल्या दुचाकीला सजवा फैन्सी स्पेअर पार्ट, नवनवीन डिझाईनचे फॅन्सी LED, फॅन्सी मीटर, हँडल वेट लाईट, इंडिकेटर, फुटरेस्ट, हँडल वेट मीटर, फॅन्सी लिव्हर, LED पट्टी, टू व्हीलर रिमोट किट उपलब्ध। नवनवीन आकर्षक डिझाईनचे फॅन्सी पार्ट मिळण्याचे एकमेव ठिकाण, एक वेळ अवश्य भेट द्या। टॉप ऑटोमोबाईल, हिंगोली गेट, नांदेड।